फैज़ ऑफ हैप्पी न्यूज़ चैनल में हूं आपके साथ महक। माह रमजान के 30 रोजे पूरे होने की खुशी के साथ आज सोमवार नीमच में शिया दाऊदी बोहरा समाज द्वारा ईद उल फित्र का पर्व उत्साह उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। आज सोमवार सुबह बोहरा कॉलोनी बोहरा मस्जिद और अन्य मरकजों में खुतबा पढ़ा गया और समाजजनों ने ईद की नमाज अदा की। मस्जिदों में ईद की रूहानी रौनक देखने को मिली और लोग एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देकर खुशी का इजहार कर ईद का जश्न मनाते नजर आए। मिस्री कैलेंडर के अनुसार कल को 30वें रोजे के साथ माह रमजान खत्म हुआ। एक माह तक रोजा कर पाने की खुशी के इजहार को ही ईद कहते हैं। रोजदार अल्लाह का इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ऐसी झुलसा देने वाली भीषण गर्मी में भी उन्हें रोजे रखने की अल्लाह ने शक्ति प्रदान की और उन्हें ईद की खुशी नसीब हो रही है। गौरतलब है कि इस बार ये त्योहार इसलिए भी खास हो जाता है कि विगत 2 वर्षों से लॉकडाउन के चलते लोगों को ईद अपने अपने घरों में मनानी पड़ी थी और इस बार प्रतिबंध न होने और सब कुछ खुला होने के कारण ईद को लेकर समाजजनों में दुगना उत्साह और जोश है। ईद उल फित्र को मीठी ईद भी कहा जाता है। रस्म के अनुसार ईद के दिन घर घर सेवैयां और शीर खुरमा बनाया जाएगा जो इस त्योहार की विशिष्ट पहचान है। इस व्यंजन को खिलाकर जीवन में और संबंधों में मिठास घोलने का संदेश दिया जाता है जिससे जीवन पर्यंत रिश्तों की मधुरता कायम रहे। सदियों से मीठी ईद का ये त्योहार नीमच वासियों के लिए भाईचारे सौहार्द और सद्भाव का प्रतीक माना जा रहा है। आज के दिन ईदी और तोहफे देना मुख्य परंपरा है। ईद के दिन बड़े आशीर्वाद स्वरूप अपने से छोटों को ईदी देंगे और बच्चों में ईदी के लिए लालसा और विशेष उत्साह रहता है। ईद के दिन सभी अपने परिचित और सगे संबंधियों के घर जाकर व्यक्तिगत रूप से और संचार संसाधनों के माध्यम से शुभकामनाएं और बधाई देंगे। ईद की तैयारी के लिए बोहरा धर्मावलंबियों द्वारा कपड़े जूते चप्पल घर की सजावट और व्यंजन आदि अन्य सामग्री के बाजारों से जमकर खरीदारी की गई है। घरों को आकर्षक और मनमोहक ढंग से सजाया गया है। ईद के त्योहार पर सामर्थ्यवान लोग अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंदों की खास तौर से मदद करते हैं ताकि वे भी ईद मना सके। यहाँ उल्लेखनीय है कि सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब की हिदायत और दुआओं और स्थानीय आमिल साहब शेख जोएब भाई बड़वानी वाला के नेतृत्व में नीमच के बोहरा धर्मावलंबियों ने रमजान के पूरे महीने में नमाज तलावते कुरान और अन्य आमाल और अरकान को पाबंदी के साथ अंजाम दिया। माह रमजान में और खासकर ईद के मौके पर बोहरा समाज के अनुयायियों के पर ये दुआ मुसलसल है कि प्रत्येक हिंदुस्तानी के लिए साल का हर दिन ईद की तरह ही मुसर्रत से भरपूर हो। नीमच से मुश्ताक अली शाह की ये रिपोर्ट। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।